हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। इसे आप टिफिन में भी दे सकते हो। इसके लिए मैंने पहले 2 चम्मच ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें मैंने 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच सरसों और इसमें मैंने अदरक और मिर्च, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। इस तरह का पेस्ट डालने से हमारा आलू का मसाला बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होता है। ये देखिए, ये ऐसा दरदरा होना चाहिए। अब हम तेल में अदरक और मिर्च के दरदरे पेस्ट को डाल देंगे। डालकर इसे हमें थोड़ी देर चलाना है। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गुल की और मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। इसमें मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक यूज़ किया है। नमक को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने आलू को मैश कर लिया है। इसमें मैंने 4 आलू यूज़ किए। अब इसमें आलू को डालकर इसे अच्छे से हमें चलाना है ताकि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। इसमें मैंने थोड़ी और नमक ऐड की है ताकि आलू में नमक का टेस्ट आए। अब बड़े जो आलू दिख रहे हैं उसे मैं मैश करके इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब सैंडविच बनाने के लिए हमारा आलू का मसाला बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इसके बाद हम ब्रेड को कट कर लेंगे। बीच से इसे हमें कट कर लेना है। इसी तरीके से सारे ब्रेड को मैंने कट कर लिया है। अब इसमें मैं फिलिंग करूंगी। इसे हमें अच्छे से ब्रेड में फैला देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर एक और ब्रेड को लगाएंगे। इसे थोड़े से हाथों से दबा देना। इसी तरह से मैं सारे ब्रेड में मिक्स करके मैं इसे मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे हम सेक लेंगे। इसके लिए मैंने बटर यूज़ किया है। बटर को हमें पैन में अच्छे से फैलाना है। अब हम ब्रेड को डालकर कम आंच में इसे दोनों साइड लाल होने तक हम पकाएंगे। अब एक साइड जब हमारा लाल हो जाएगा तो हम दूसरी साइड भी ब्रेड को उल्टा करके अच्छे से सेक लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। अब ये सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम किसी भी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।